खबर कोरिया जिले से है, जहां कोरिया कलेक्टर श्री राठौर ने टीकाकरण केंद्र में कोरोना गाइडलाइन के अनुसार हितग्राहियों को टीका लगाने तथा टीकाकरण केंद्र में अनावश्यक भीड़ न हो इस बात पर ध्यान रखने के निर्देश दिए। कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने के निर्देश संबंधित को जारी किए। निरीक्षण के दौरान श्री दुदावत ने टीकाकरण केंद्र में पर्याप्त साफ सफाई के निर्देश के साथ ही साथ टीका लगाने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को समझाइश दी कि वे टीका लगवाने आने वाले हितग्राहियों को मास्क अनिवार्य रूप से पहनाकर आने की अपील करें। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। इस दौरान कलेक्टर ने कोरोना टीकाकरण केंद्र में टीका लगाने आए लोगों से मास्क पहनने तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की। उन्होंने वैक्सीनेशन के संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा कि हर गली मोहल्ले में आसपास में रहने वाले अन्य पात्र ग्राहियों को टीका लगवाने हेतु प्रेरित करने को कहा, साथ ही टीका लग जाने के बाद भी कोविड नियमों का पालन करते हुए सावधानी बरतने की अपील की। कलेक्टर श्री राठौड़ ने वैक्सीनेशन सेंटर में वैक्सीन उपलब्ध कराने के संबंध में सीएमएचओ से जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री राठौड़ के मार्गदर्शन से अधिक हितग्राहियों के मोबिलाइजेशन हेतु सीईओ जिला पंचायत द्वारा विकासखंड ग्राम एवं टीकाकरण केंद्रों को शामिल करते हुए वैक्सीनेशन की कार्य योजना निर्धारित की गई, जिसके अनुरूप जिले में टीकाकरण किया जा रहा है। R9 भारत के लिए अजीम अंसारी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। कोरिया जिले में लगातार अलग अलग क्षेत्रों में कोयले की अवैध तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी शिकायत प्रशासन से की जा रही है, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। ग्राम पंचायत मुरमा के सरपंच के शिकायत के बाद कोरिया कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लिया है। बैकुंठपुर DFO के निर्देशन पर हुई बड़ी कार्रवाई, जिसमें 100 बोरी कोयला हुआ जब्त। ग्राम पंचायत मुरमा के देवखोल से निकाला जा रहा है अवैध कोयला। कई वर्षों से चल रहा कोयले का काला खेल, कम पैसे के लालच में बाल श्रमिकों से भी लिया जा रहा कोयला उत्खनन जोखिम भरा कार्य। बिना सुरक्षा उपकरण के खतरनाक वन गुफा में घुसकर निकालते हैं कोयला। जिले के कई क्षेत्र में कोयले का अवैध कारोबार चल रहा है, जिससे शराब रत्ती, बाल श्रम और अन्य अपराध भी बढ़ रहे हैं। R9 भारत के लिए अजीम अंसारी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कोरिया से। आपको बता दें कि बैकुंठपुर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रीय SECL चिकित्सालय चर्चा में लगी आग। सूचना फायर ब्रिगेड टीम को दी गई। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निशमन अधिकारी SN बोरवड़कर द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें AC में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी थी आग, जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका है। R9 भारत के लिए साहिल अंसारी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़। मिली कि चर्चा के रीजनल हॉस्पिटल में SECL के फायर हुआ है, और बाद में हमारा जो अग्रिम टीम थी वो पहुँच करके यहाँ पे देखा तो AC जो है इनका शॉर्ट सर्किट के कारण इसमें फायर हो गया था। लेकिन इन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर जो इनके पास था, एकमात्र चालू था, बाकी तो सारे अभी फिर से रिफिल करना है, और उसकी वजह से इसको कंट्रोल कर लिया गया है और मेरे द्वारा इंस्पेक्शन किया गया। इसका आजू बाजू वार्ड नहीं है, वार्ड इनके दूर है, लेकिन कंट्रोल हो गया है।